अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं नदीम भुट्टा और मैं हूं सैयद फैसल हसनैन। आज हम देने जा रहे हैं कैफी खलील के गाने कहानी सुनो पर रिएक्शन, जो कि बहुत ही जल्दी वायरल हुआ और उस सॉन्ग के जरिए उसने 8 करोड़ रुपया कमाया है। तो देखते हैं सॉन्ग में ऐसा है क्या जो इतना ज्यादा वायरल हुआ। रियल टैलेंट था ये। क्लियर हुआ हाय 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 बनाए तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए बनाए तो सदके उतारे हमें तुम्हें अपना बनाए नहीं मुश्किल वफा। रियल टैलेंट, असल टैलेंट, मान गए यार। ये वाकई लड़का वायरल होना चाहिए था जो आपने किया। बहुत प्यारा गाया, बहुत प्यारा टोन था इसके सॉन्ग। मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। वाह क्या, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। हर गली मोहल्ले में, हर टिकटॉक सॉन्ग देखे, फेसबुक पे देखे, यूट्यूब ओपन करें तो कैफी खलील नजर आता है। कैफी खलील हर जगह, कैफी खलील बस। गाना कैसा गा दिया इस बंदे ने, क्या गया। ऑसम यार, कमाल हो गया। हकीकत बात है, गाना सुन के मजा आ गया। बिल्कुल स्मूथ म्यूजिक है, ना ही शोर है ना ही बेस है, एक स्मूथ रिलैक्सेशन सी फील होती है जब ये बंदा गाना सुनता है। सही बात, दिल को सुकून मिलता है, दिल को सुकून मिलता है। सही बात, इतनी क्लियर आवाज नदीम भाई, ये डिजर्व करता था इतने लाइक और इतने फॉलोअर और इतना फेम डिजर्व करता था और इसे मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ने इसको दिया है, इसने मेहनत की और रियल था। बिल्कुल, इसने अपने इंटरव्यू में नदीम भाई 2-3 साल कह रहा है मैं स्ट्रगल किया है। मतलब एक पहले किसी इंडियन सिंगर भी सिंग किया है सॉन्ग। अच्छा, लेकिन वो इतना वायरल नहीं हुआ, लेकिन ये इतने अच्छा और इतने गाया है और टैलेंट को प्रमोट करें बहुत अच्छी बात है। तो पिछला जो हमने रिएक्शन दिया था आयशा, वो इतना डिजर्व नहीं करती थी क्योंकि वो कॉमन सा डांस था, तो वो आपने इतना वायरल कर दिया तो सभी परेशान थे। और फिर वो जो अक्सर लावा लावा करता था, पावा मतलब पावा। ये तो एक क्या बंदा ये नहीं, लेकिन ये रियल टैलेंट, इसको हम सपोर्ट करते हैं। ये वाकई बहुत अच्छा टैलेंट था और इसने अपने आप को मनवाया मनवाया है। हाँ, तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।